देखो 21 सितंबर का न्यूज़ है, यूपीपीसीएल से न्यूज़ है। क्या न्यूज़ है? वैकेंसीज के बारे में अपडेट है, तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी समझ में आएगा गाइज। हेलो हेलो गाइज, कैसे हो सभी लोग? और यूपीपीसीएल जेई से एक अच्छी न्यूज़ आ रही है, और अच्छी न्यूज़ कह सकते हो। अब जो न्यूज़ है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि 21/9/2024 को उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के तरफ से कुछ चीज़ें मांगी गई थी, जैसे कि हम लोग सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना उपलब्ध कराए जाने के उपलब्ध में, तो हमने आरटीआई किया था। जो भी आरटीआई आया है और यूपीपीसीएल जेई से आरटीआई आया है, यूपीपीसीएल ए का आप लोगों को पता है कि क्या मुद्दा चल रहा है, कि वो गेट के थ्रू हो गया है। अब गेट के थ्रू हो गया है तो उसमें प्रॉब्लम ये है रहा कि गेट के थ्रू होगा, अब वो गेट के थ्रू होगा बट उसमें भी बवाल चल रहा है। बट अगर गेट के थ्रू हो रहा है ठीक है, बट आपको एक साल पहले बताना चाहिए था, नहीं बताया गया। तो इसमें लिखा गया, कृपया उपयुक्त आपका विषय सचिव एवं सूचना अधिकार के अंतर्गत ये दिस दिया गया, पंजीकरण नंबर दिया गया है। उन्होंने मांगी गई सूचना की यूपीपीसीएल जेई में वैकेंट पोस्ट कितने हैं, आज का न्यूज है, सुनिएगा जरूर। दिनांक 1/7/2024 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश का अव्वल अभियंता के कुल 403 पद एवं अव्वल अभियंता जनपद के कुल 18 पद, यानी आपके विद्युत डिपार्टमेंट यानी इलेक्ट्रिकल जेई की पोस्ट 403 है और सिविल की टोटल 18 पद रिक्त है। और ये आपका 21 तारीख का नोटिफिकेशन है, तो आज ही इन्होंने आरटीआई दिया है। अब देखिए इसमें क्या है कि वैकेंसीज कब आएंगी, तो क्योंकि यार वैकेंसीज का मुद्दा तो चल ही रहा है, तो वैकेंसीज मुझे लगता है कि कभी भी ये नोटिफिकेशन यूपीपीसीएल का जेई का दे देंगे। एई का भी देखो गेट के थ्रू होगा तो आपको जल्दी मिल जाएगा, आई थिंक मुझे आफ्टर द गेट फिलिंग द गेट खत्म होते होते हुए मुझे लगता है कि ये फॉर्म भी दे दे कि आप फिल कर दो, रजिस्ट्रेशन नंबर डालो और फिल कर दो गेट का। बट ये भी हो सकता है कि यार ये आफ्टर द गेट दे, गेट के एग्जाम के बाद दे, ये भी हो सकता है। तो एनी थिंग इज पॉसिबल गेट एग्जाम जो यूपीपीसीएल एई वाले हैं। जेई वाले की बात की जाए, जेई 400 पोस्ट प्लस है तो ये चीज मैं समझ सकता हूं कि ठीक ठाक वैकेंसीज है और अच्छी वैकेंसीज है। आपको यूपीपीसीएल जेई की वैकेंसी बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है। अब ये कंफर्म डेट नहीं है, कितने दिन में आएगा क्या होगा इसका अभी बताना बहुत मुश्किल है, बट हाँ ये चीज़ है कि ये जल्दी देने के एकदम मूड में है और जल्दी ये वैकेंसीज कराएंगे गाइज। इनके पास वैकेंसीज है तो मैं कहूँगा कि यार यूपीपीसीएल की तैयारी करते रहिए भाई, जितने सारे डिपार्टमेंट हैं, ठीक है। और एक न्यूज़ और भी है, तो ये सारी चीज़ें जैसे कि यूपी ब्रिज में आया था, यूपी ब्रिज असिस्टेंट इंजीनियर का जो पोस्ट था वो भी गेट के थ्रू हो गया है, उसका भी फॉर्म चल रहा है। तो गेट के थ्रू यूपी ब्रिज भी है, 26/9/2024 लास्ट डेट है, तो इसको फॉर्म फिल कर सकते हो। सिविल एंड मैकेनिकल के लिए पोस्ट है, सिविल में आपकी टोटल आपकी कितनी पोस्ट है 28 और मैकेनिकल की टोटल 7 पोस्ट है, तो गेट की अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा बढ़ रही हैं, ठीक है। बट मेरा जेई का मकसद है, जेई वाले के लिए एक तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हमेशा होगा, तो ये यूपीपीसीएल भैया आप लग जाओ यूपीपीसीएल जेई में, टेक्निकल पढ़ना शुरू कर दो। देखो आपके पास एग्जाम ही एग्जाम है, आरआरबी जेई, एसएससी जेई, यूपीपीसीएल, आपके राजस्थान में आने वाला जेईएन में, फिर और भी वैकेंसीज आने वाली हैं धीरे धीरे, तो ये वैकेंसीज आप लोग के लिए खुला चुनौती है। अगर आप जेई बनना चाहते हो तो बहुत अच्छा मौका है यूपीपीसीएल में, और ये जल्दी वैकेंसी नोटिफिकेशन, क्योंकि इलेक्शन है तो वैकेंसी आपको जल्दी से जल्दी देखने का मिलेगा। बाकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद गाइस।